रेंज में एयरफोर्स अपनी ताकत दिखाएगा। इसके लिए देश के अलग अलग 5 एयरबेस पर तैयारियां चल रही हैं। आसमान देगा हिंद के शौर्य का प्रमाण। अब गरजेंगे वायुसेना के लड़ाकू विमान। जैसलमेर में दिखेगा भारत का तमखा। चीन की बत्ती गुल, टेंशन में पाकिस्तान। राजस्थान के रण जैसलमेर में भारतीय वायुसेना एशिया की सबसे बड़ी सेना की फील्ड फायरिंग रेंज में अपना सबसे बड़ा युद्धाभ्यास करने जा रही है। वायु शक्ति युद्धाभ्यास के जरिए भारतीय वायुसेना के पराक्रम का अद्भुत रूप दिखने वाला है। शत्रु के हर धोखे का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सीमा से कुछ ही दूरी पर मरुभूमि के आसमान पर सेना के जांबाज बेहद कड़े युद्धाभ्यास की तैयारियों में जुटे हुए हैं। दरअसल 17 फरवरी को पोखरण फायरिंग रेंज में भारतीय वायुसेना का वायु शक्ति युद्ध अभ्यास होना है, जिसे लेकर एयरबेस पर 121 एयरक्राफ्ट पहुंच चुके हैं। जोधपुर एयरबेस पर सुखोई 30 और राफेल की तैनाती की गई है। यहां दोनों एयरक्राफ्ट के साथ तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसी एयरबेस पर सुखोई और राफेल के साथ लड़ाकू विमान तेजस, प्रचंड और ध्रुव हेलीकॉप्टर भी तैनात किए गए हैं। इस वार एक्सरसाइज में फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर के साथ साथ मिसाइलें भी अपनी ताकत और मारक क्षमता का दमखम दिखाएंगे और वायुसेना के योद्धा जमीन से लेकर आसमान तक अपने शौर्य का प्रदर्शन करेंगे। इस युद्ध अभ्यास में दुश्मनों से निपटने के लिए लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर आतंकवादियों के ठिकानों पर अटैकिंग मोड का लाइव डेमो भी देंगे। 500 एयरक्राफ्ट भारी गोला बारूद और मिसाइलों के साथ हमले का अभ्यास करेंगे। इस वॉर एक्सरसाइज में राफेल, मिराज 2000, सुखोई 30 MKI, जैगुआर, हॉक, C-130J, हरक्यूलिस, तेजस जैसे ताकतवर विमान और चिनूक, अपाचे और MI-17, प्रचंड और ध्रुव हेलीकॉप्टर भी अपना दमखम दिखाएंगे। वायुसेना की इस एक्सरसाइज में करीब 15,000 एयर वॉरियर्स हिस्सा ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि सुखोई MKI कारपेट बम से लैस होकर जोधपुर एयरबेस से उड़ान भरेगा। ऐसे में चीन और पाकिस्तान की बत्ती गुल है और 17 फरवरी को होने वाले इस युद्ध अभ्यास से दोनों पड़ोसी मुल्कों में टेंशन का माहौल है। TVG18 के लिए रंजन दवे की रिपोर्ट। इधर कर्नाटक से एक डॉक्टर